दीपावली मनाने के बाद हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार घर आंगन और मंदिरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी स्थित अनेकों मंदिरों में गोवर्धन पूजा करने के बाद 56 प्रकार के पदार्थों सहित अन्नकूट का प्रसाद बांटा गया। दीपावली मनाने के बाद हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार घर आंगन और मंदिरों में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा अर्चना की जाती है। इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी स्थित कई मंदिरों में गोवर्धन पूजा करने के बाद 36 प्रकार के पदार्थों सहित कड़ी चावल, बाजरा और मिक्स वेज के अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। कहते हैं इस दिन गोवर्धन पूजा करने से घर में सुख शांति के साथ साथ धन धान्य में बरकत रहती है। वहीं मंदिर संचालिका कृष्णा देवी ने बताया कि वृक्ष के ग्वाले और अन्य लोग वर्षा के देवता भगवान इंद्रदेव की पूजा करते हैं, क्योंकि बारिश से ही खेती होती थी। किसान वर्षा के जल से अन्न उगाकर सभी को उपलब्ध करवाते थे। एक दिन सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा करने जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम इंद्र की पूजा क्यों करते हो। उन्होंने कहा कि इंद्रदेव जल के देवता है और जल से ही सृष्टि का संचार संभव है। ये सुनकर कृष्ण को लगा कि शायद इंद्र को इसलिए खुद पर ज्यादा अभिमान है और उन्होंने ब्रजवासियों को इस पूजा में जाने से रोक दिया और गोवर्धन की पूजा करवाई गई। इस पर इंद्रदेव रुष्ट हो गए और जमकर बारिश होने लगी। संपूर्ण ब्रिज और नंद नगरी जलमग्न हो गई। लोग त्राही त्राही करने लगे। तभी भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सभी ब्रिजवासियों को पर्वत के नीचे छिपा कर उनकी रक्षा की। तभी से गोवर्धन पूजा करने की मान्यता है। महत्व इसका ये है कि ये सारे जो है ब्रिजवासी इंद्र को पूजते थे, तो आप जो है इस दिन भगवान कृष्ण ने पूछा ग्वालों से, आज क्या है। नंद बाबू ने कहा कि आज जो है हम इंद्र देवते का पूजन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि क्यों, इंद्र की किस लिए पूजा करते हो। इंद्र की इसलिए पूजा करते हैं कि ये हमारे को वर्षा देता है, हमारा अनाज होता है, हमारा गौएँ जो है तरण वगैरह खाती हैं, इसलिए हम जो उसकी पूजा करते हैं। तो भगवान ने कहा कि इंद्र को अभिमान है, इसलिए उसका अभिमान वर्धन करने के लिए उन्होंने जो है अपना आज के दिन गोवर्धन पूजा बना के और स्वयं से जो है गोवर्धन रूप बन करके उन्होंने आके प्रसाद पाया। और एक जब इंद्र को गुस्सा आया, उसने ऐसी वर्षा उठाई कि सारा वो नंदगांव जो पानी से भर गया। तो इन्होंने अपना अपनी चीची उंगली के ऊपर गोवर्धन उठाया, उठा करके सारी प्रजा की रक्षा की। बहरहाल दीपावली मनाने के बाद हरियाणा के कई शहरों में मंदिर में विधि विधान से गोवर्धन और अन्नकूट पूजा की गई। टोटल टीवी के लिए रेवाड़ी से श्याम बाटला की रिपोर्ट।